देखिए, आपका संविदा नियम चलेगा और इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सामान्य बातें बताई जा रही थी, अभी दो चार आपका और सामान्य बातें बची हैं। देखिए, अब तक क्या बताया गया, इधर से भी आपका क्वेश्चन बनता है। पहला चीज़ ये बताया गया था कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने का या भारत में इनफोर्स रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो वह है आर्टिकल 372। फिर बताया गया कि जो संविदा नियम आपका निर्माण की तिथि 25 अप्रैल 1872 लागू कब हुआ, ये रट्टा मार कर जाना है। 1 सितंबर 1872 कौन कौन से अध्याय रिपील या निरसित हैं, 7 और 11 कब कब रिपील किए गए। फिर आपका संविदा नियम को दो भागों में बांटा गया है, पहले भाग में सामान्य सिद्धांत हैं 1 से 75, 80% क्वेश्चन इसी से आते हैं। दूसरे भाग में मूल रूप से 5 स्पेशल संविदाएं थी, वर्तमान में 3 हैं, 2 समाप्त हैं, तो कौन कौन समाप्त हैं। माल विक्रय अध्याय 7 में था और भागीदारी अध्याय 11, चैप्टर 11 में। अब इस पर नया कानून, हाँ, इसके बाद बिहार में जो बना है, क्या संविदा अधिनियम अपने आप में एब्सोल्यूट है कि नहीं, पूर्ण है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं है, क्योंकि संविदा के तत्व या संविदा के अंग या भाग अन्य कानूनों में भी पाए जाते हैं। उन कानूनों को मैं लिखवाया था। बिहार का ये क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट के तत्व किन किन कानूनों में पाए जाते हैं, तो दो कानून तो यहीं से निकले हैं और एक आपका एसआरए बताया गया था और दूसरा टीपीए। टीपीए कम से कम बताया गया है, सेक्शन 4 ये बताता है टीपीए का कि जो ये टीपीए होगा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा और सप्लीमेंट्री या पूरक किसका होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट का। ये सेक्शन वाइज भी हम बता रहे हैं। इसके बाद आपका उद्देश्य का बताई गई, उद्देश्य का बताई गई थी और इसके बाद सेक्शन 1 बताया जा रहा था। सेक्शन 1 में आपका सेविंग क्लाज बताना है। किसी भी कानून की धारा 1 में दो तीन बातें ही दी जाती हैं, आपका शॉर्ट टाइटल, इसके बाद एक्सटेंट और इन्फोर्समेंट डेट यानी कि संक्षिप्त नाम, तो नाम बता ही दिया गया था। इसके बाद प्रारंभ, तो आरंभ भी बताया गया था 1 सितंबर 1872। अब इसके बाद विस्तार, तो वर्तमान समय में कहाँ लागू है ये कानून, तो होल इंडिया में, जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं था, तो 31 अक्टूबर 2019 से वहाँ भी लागू हो गया, ये भी बताया गया, अभी लिखवाया जाएगा इसको। इसके बाद सेविंग क्लाज हम बता रहे थे। सेविंग क्लाज का मतलब होता है बचत खंड, व्यावृत्ति। व्यावृत्ति का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को बचाया जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1872 के पहले, 1872 के पूर्व जो संविदा से संबंधित नियम थे, अगर वे नियम निरसित न किए गए हों, यानी कि रिपील न किए गए हों, या इस कानून के विरोध में न हों, यानी कि इस कानून के अगेंस्ट में न हो, तो वे नियम भी इस कानून के साथ क्या रहेंगे, चलते रहेंगे। यानी कि अगर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट या विरोध में कोई पुराना नियम है, तो वह नियम उस मात्रा तक शून्य होगा, और विरोध में नहीं है आज भी, तो वह पुराना नियम क्या होगा, चलता रहेगा। इसको थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करिए। सबसे अच्छा कोरिलेशन आप कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 13 से कर सकते हैं, आपका 13 के क्लाज 1 से, माने 26 जनवरी 1950 के पहले के, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संविधान पूर्व विधियाँ,
यानी कि ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में लागू थे, अगर वे हमारे फंडामेंटल राइट के विपरीत हैं तो विपरीतता की मात्रा तक, यानी कि उस मात्रा तक जिस मात्रा या लिमिट तक वह अगेंस्ट में है, उस मात्रा तक या उस सीमा या उस लिमिट तक वह क्या होंगे? शून्य। उसी प्रकार अगर कोई 1872 के पहले का नियम था जो संविदा से संबंधित था और इस कानून के अब विपरीत हो गया है, तो वह नियम उस मात्रा तक क्या हो जाएगा? शून्य। लेकिन अगर कोई नियम था जो विपरीत नहीं है, तो वह नियम आज भी क्या होगा? इसके साथ कानून के चलता रहेगा। आगे देखा जाए, आगे कोरिलेट किया गया था आपको लास्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कहाँ दिया गया है, ये यूपी जे और उत्तराखंड जे दोनों में पूछा गया था, तो संविधान के किस अनुच्छेद में? 393 में। और संविधान कब लागू हुआ, ये 394 394 आर्टिकल बताता है। तो संविधान कितने पार्ट में इन्फोर्स हुआ? दो पार्ट में। दोनों याद रखे, आंशिक पूछे तो कल बताया गया था 26 नवंबर 1949, अब पूर्ण रूप से पूछे तो 26 जनवरी 1950। अब ये कहाँ कहा गया है, हो सकता है भाई पूछ ले आगे भी, तो आर्टिकल 394 में। अब आगे बढ़ा जाए भाई, आपका अगला जो आपका इसमें सामान्य बातों में एक दो बातें और पढ़नी है, वह आपका जो हम बता रहे हैं सामान्य बातों में अगली बात, ये आपका यूपी जे में भी आया था और आपका बिहार जे में भी, यानी कि दोनों में इसी बार ये क्वेश्चन बना था। प्रतिस्थापित धारा या कौन सा प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित यानी कि कौन सा सेक्शन पुनर्परिभाषित है, पुनर्व्याख्यित है, नए सिरे से लिखा गया है या प्रतिस्थापित है? इस पर पिछली बार यूपीजे में 2018 में भी क्वेश्चन बना था और उस आपका 2015 में भी, यानी कि दोनों बार क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जो जो धाराएं प्रतिस्थापित या पुनः स्थापित की गई है, जिस जिस कानून की, चार पांच कानून की वे धाराएं आपको एक साथ तैयार रखनी चाहिए। तो संविदा पहले प्रतिस्थापित समझिए भाई होता क्या है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है शराब से, शरार नहीं भाई, गलत ही हो जा रहा है आपका, यानी कि शराब से, एल्कोहल से उदाहरण दिया जाता है। जैसे कि गाना भी बना है कि अगर शराब में या एल्कोहल में नशा होता तो ये बोतल भी क्या करती? नहाती। लेकिन गाना बनाने वाले भूल गए कि शराब सजीव पर काम करता है, निर्जीव पर नहीं। भाई गाना बनाने वालों को ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि बोतल में जान रहेगी तब तो हिलेगी डुलेगी, भाई जान ही नहीं है तो कहाँ से शराब और जहर का असर होगा? असर तो जीव जंतु पर होगा, मानव पर होगा। तो जीव जंतु जैसे कि आपका कई जगह आपका बंदर हैं, अफीम खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हाथी को शराब पिला दीजिए तो हाथी पगला जाएगा, यानी कि आपका देखिए क्या उत्पात मचाता है। तो उसी प्रकार आदमी को दो बूंद पिला दीजिए, ज़्यादा नहीं, तब तो थोड़ा कंट्रोल रहेगा, और दो बूंद से आगे बढ़ जाइए तो चार बूंद पूरी बोतल। तो शराब पर ही उदाहरण देखिए पहला, यानी कि ये मान लीजिए गिलास ही हैं, तो गिलास तो वहीं रहती हैं लेकिन गिलास की शराब डकार गए यानी कि पी लिए, तो फिर नई शराब क्या किए इसमें बारे? सेम इसी तर्ज पर समझिए, प्रतिस्थापित धारा का मतलब ये हुआ कि धारा सेम रहती है, धारा में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन धारा में जो बातें अंदर लिखी रहती हैं वह बातें नए सिरे से लिखी जाती हैं,
यानी कि आपका ये कहिए कि धारा में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन धारा में लिखी गई सभी बातों को क्या किया जाता है, परिवर्तित। तो अगर ऐसा कहीं अगर दो शब्द परिवर्तित है तो दो शब्द ही प्रतिस्थापित हुए और पूरी धारा ही परिवर्तित हो गई, तो हम कहते हैं कि पूरी धारा क्या हो गई, पुनर्व्याख्यित या प्रतिस्थापित। इस पर आपका बिहार एपीओ में भी क्वेश्चन बना, बिहार जे में भी बना, यूपी जे में भी बना, सतर्क रहना एकदम से गलत ना हो। आइए देखा जाए भाई इसको। तो आपका जो संविदा अधिनियम की धारा 28 है, ये धारा प्रतिस्थापित है, यानी कि नए सिरे से लिखी गई है। तो यूपी जे का मॉडल था कि कौन सी संविदा अधिनियम की धारा प्रतिस्थापित या संशोधित है, प्रतिस्थापित न दे रहे तो आप संशोधित भी देख लीजिएगा, तो कौन सी धारा है 28। फिर बिहार में क्वेश्चन बना, सन पूछ लिया कि बिहार में पूछा कि धारा 28 यानी कि किस सन में, किस ईयर में प्रतिस्थापित की गई, स्पष्ट लिखा था तो 1997 यानी कि 1991 में 97 में। फिर इसमें संशोधन किया गया है 2013 में, और तीसरा आपका अपवाद जोड़ा गया है, तो नया क्वेश्चन बन सकता है कि 2013 में, एक बार देखिए तो 2013 है ना, तो नए बैरक में देखिए तो एक सेकंड भाई गलत ना हो ना, नहीं तो सही है ना आपका। हाँ डिटेल में बाद में बताया जाएगा भाई, अभी डिटेल में नहीं चल रहा 28, ये नहीं कि डिटेल में पढ़िए, अभी आपका भूमिका ही चल रही है। 2013 में संविधान नियम की किस धारा में संशोधन किया गया, तो आप कहेंगे 28। अब जितनी प्रतिस्थापित धाराएं हैं, आपका कर्तव्य है कि एक जगह एकत्र कर लें। पहला आपका जो पूछा जाता है एविडेंस एक्ट में पूछा जाता है, फिर सीपीसी में भी बिहार ने बनाया था क्वेश्चन, फिर आपका प्रतिस्थापित धारा पर आपका आईपीसी में यूपी आयोग ने बनाया था, आईपीसी में भी बन चुका है याद रखिए आपका, यानी कि तीन कम से कम याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका एविडेंस एक्ट, फिर आपका सीपीसी और फिर आपका आईपीसी। सीपीसी और आईपीसी में मैं सभी धाराएं नहीं बता रहा हूं, जो धाराएं कंपटीशन में आ चुकी हैं केवल वह बता रहा हूं, क्योंकि इसमें आईपीसी में हमें भी छांटना है अभी। लेकिन एविडेंस में जितनी धाराएं प्रतिस्थापित की गई हैं वह सभी बता देंगे। साक्ष्य अधिनियम की चार धाराएं नए सिरे से लिखी गई हैं, गलत न हो, आपका 39, 131 और फिर आपका 114A और 119। यानी कि फिर एक बार देखिए, भारतीय साक्ष्य नियम की कौन कौन सी धाराएं प्रतिस्थापित हैं ये याद रख, अभी हम लिखवाएंगे इसको। चार धाराएं रट्टा मार कर जाइए, उत्तराखंड में तो आपका 39, जाकर देखिएगा भाई साल पेपर, 39 भी बन चुका है आपका कई बार। तो अब जो अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, जो यूपी एपीओ में बना, कि ये जो 39 और 131 है एविडेंस एक्ट का, ये कब प्रतिस्थापित की गई, तो आपका सन 2000, ये पहला क्वेश्चन याद रखना है कब की गई। दूसरा क्वेश्चन आपका बना है कि किस कानून द्वारा की गई, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि शॉर्टकट में आईटी एक्ट कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। फिर तीसरा क्वेश्चन यूपी में बना कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000
यानी कि आईटी एक्ट सन 2000 द्वारा किन-किन कानूनों में संशोधन किया गया? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उपर्युक्त सभी, सभी में किया गया है। सन 2000 में एविडेंस में भी बदलाव लाया गया, आईपीसी में भी, और किस में? सीआरपीसी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे व्यापक संशोधन एविडेंस में किस सन में किया गया? तो वह सन 2000 यानी कि आईटी एक्ट द्वारा। फिर आपका आता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को कब जोड़ा गया एविडेंस में? तो फिर वही कहानी, सन 2000। और पिछली बार इसके पहले यूपीएपीओ का क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। फिर मैं बता दूँ, ये सन 2000 का संशोधन था, ये कब से लागू हुआ? तो 70 अक्टूबर सन 2000, यानी कि 17 अक्टूबर सन 2000। इतना याद करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ये सभी क्वेश्चन क्या हुए हैं? कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अब अगला आइए भाई, आपका ये जो दो धाराएं हैं आप देख रहे हैं, आपका 114A और 119, ये कब प्रतिस्थापित की गई, कब नए सिरे से लिखी गई? तो आपका जवाब रहेगा 2013 में, 2013 में। दूसरा, समिति पूछ सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर? तो जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर, यानी कि जस्टिस जेएस वर्मा। तीसरा क्वेश्चन आपका बना भी है कई बार, उत्तराखंड में पिछली बार बना था, कि 2013 का संशोधन आपका कब से लागू हुआ, कब से इनफोर्स हुआ? तो डेट याद रखना है, 3 फरवरी आपका 2013। भाई डेट याद रखे रहेगा, किस तारीख को? 3 फरवरी 2013। इसके बाद जो प्रतिस्थापित धारा पूछी जाती है आपका, एक तो सीपीसी में पिछली बार बिहार बनाया था, झारखंड भी बनाया था भाई, वह सेक्शन है 89। तो कौन सी धारा प्रतिस्थापित धारा है सीपीसी की? 89। किस सन में प्रतिस्थापित की गई बिहार, इसके पहले बनाया था, सन भी याद करना पड़ेगा, 1999, यानी कि 1999। तीसरा क्वेश्चन आपका यूपी में बना, किस समिति की सिफारिश पर? तो जस्टिस मलिमत समिति। चौथा क्वेश्चन यूपी में ही बना है कि कब से ये धारा लागू हुई? तो 1 जुलाई 2002। भाई गलत ना हो, किस तारीख को? 1 जुलाई 2002 को लागू हुई। उसके बाद एचजेएस में केस पिछली बार आया था कि आपका किस केस में 89 को चुनौती दी गई थी या कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया? तो सेलम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेज भारत संघ। तो सेलम याद रखे, कुछ न याद रहे तो क्या याद रखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन, कौन सी सीपीसी की धारा न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे का प्रावधान करती है? सुलह समझौता इत्यादि के बारे में प्रावधान करती हैं, तो कौन सी धारा है? 89। तो भाई अब आईपीसी पर आ जाइए, इसके पहले वाले 2018 वाले जे में, मैंने उसके पहले जो पूछा गया था आईपीसी में जाकर क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बना था कि आईपीसी की धारा 375, चार ऑप्शन दिया था, परिवर्तित है, संशोधित है, परिवर्धित है और प्रतिस्थापित है। तो परिवर्तित मतलब कुछ चेंजिंग लाई गई, आपका संशोधन का परिवर्तित मतलब कुछ चेंजिंग लाई गई, परिवर्धन मतलब कुछ ऐड किया गया, जोड़ा गया, और प्रतिस्थापित का मतलब कि सेक्शन 375 नहीं हटाया गया, लेकिन उसकी अंदर की जितनी भी बातें हैं वे 2013 में नए सिरे से क्या की गई, लिखी गई। तो क्या है ये 375?
परिवर्धित है कि प्रतिस्थापित है। प्रतिस्थापित, नए सिरे से सभी बातें क्या की गई है, लिखी गई है। आगे देखिए आपका, इसके बाद आपका जो पढ़ा जाता है, ये तो प्रतिस्थापित में कुछ कोरिलेट किया गया, कांटेक्ट की धारा याद रखिएगा 28। इसके बाद आपका परिभाषा से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए सेक्शन टू शुरू किया जाए, इसको लिखवाएंगे भाई अभी, आपका पहले कुछ हो जाए तब थोड़ा लेक्चर। ये भी आपका क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है, जाकर देखिएगा कि संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषाएं दी गई है, तो आपका सेक्शन टू। तो आपका कर्तव्य है कि जहाँ जहाँ परिभाषाएं दी गई हैं वह सेक्शन एक जगह हम लिखवाते समय एकत्र भी करवा देंगे। तो संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई है, टू में। अब जहाँ जहाँ डिफिनीशन क्लाज हैं, आपका कर्तव्य है कि कंपटीशन के लिए एक जगह उसको प्री के लिए क्या करिए, एकत्र। सीआरपीसी में पूछे तो धारा दो, सीपीसी में पूछे तब भी धारा दो, अगर यही क्वेश्चन एविडेंस में पूछ ले तो धारा तीन, टीपीए में पूछे तो धारा तीन, संविधान में पूछ ले तो अनुच्छेद 366, संविधान में पूछ ले तो कौन सा आर्टिकल, और आपका आईपीसी में पूछ ले कि डिफिनीशन क्लाज कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 से लेकर कहाँ तक, 52A तक। अंतिम आपका पुलिस एक्ट में पूछ सकता है यूपीएपीओ के लिए कि आपका परिभाषा पुलिस अधिनियम की किस धारा में दी गई है, बताइए तो। हाँ, 1 में भाई सतर्क रहना है, कई लोग नहीं पढ़े होंगे तो गलत करके आ जाएंगे। पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 1 में ही डिफिनीशन या इंटरप्रटेशन क्लाज दिया गया है, 2 ना मार दीजिएगा। वहाँ किस सेक्शन में है, नाम गांव पता नहीं दिया गया, डायरेक्ट क्या कर दिया गया है, आपका परिभाषा से शुरू हो गया है, नाम पता नहीं। तो आगे आइए, अब धारा 2 देखा जाए भाई। संविदा अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है, पहले तो ये समझिए ये परिभाषाएं कहाँ कहाँ काम करेगी, ये पहले जानना है, तब परिभाषाएं चला जाए। ये परिभाषाएं जो काम करेंगी ये पहले समझिए, ये परिभाषाएं टीपीए में काम करेगी पूरी तरह, इसके बाद माल विक्रय नियम में करेगी, इसके बाद आपका भागीदारी में करेगी आपका, इसके बाद आपका एसआरए में करेगी, न्यास अधिनियम में करेगी, यानी कि इतनी जगह पर ये परिभाषाएं क्या होंगी अप्लाई। अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से उन कानूनों में क्या किया गया है, लिखा गया है, यानी धाराओं में, जैसे टीपीए की धारा 4, तो उसी प्रकार हर एक कानून की धारा में स्पष्ट लिखा गया है कि संविदा अधिनियम की परिभाषाएं यहाँ क्या होंगी लागू। तो परिभाषाएं क्या है, अब अगला आपका ये नियम होना चाहिए प्री के लिए कि जितनी परिभाषाएं दी गई है भाई क्लाज वाइज तैयार रखिए, डिटेल में पढ़ने से पहले जितनी परिभाषाएं दी गई है उसको क्या करेंगे, क्लाज में तैयार रखेंगे। तो जो छोटी हम भी डिटेल में आपका शुरू करते हैं, आपका 2A ऐसे देखिए हम लिखवा देंगे, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, इसके बाद 2G और 2H और 2J है ना, 2J तक हैं। पहला क्वेश्चन ये निकालिए कि कुल कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन अब शुरू कर दिया है, पहले नहीं पूछा जाता था। तो संविदा अधिनियम के सेक्शन 2 में कुल कितने शब्दों को डिफाइन किया गया है, तो कितने शब्द हो गए इसमें,
10। अब ये भी याद करके जाना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ 10 नंबर ही हो, 10 10 जहाँ हो, प्री का यही आपका कंसेप्ट है कि जहाँ जहाँ 10 आ जाए वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, एक जगह सब एकत्र करके लिख लेना है। और ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं बना है, अभी बिहार एपीओ में बना कि आईपीसी की धारा 499 में कितने एक्सेप्शन हैं, कितने अपवाद हैं, तो वहाँ भी कितने अपवाद हैं आपका 10। इसके बाद 10 नंबरी किसे कहा जाता है, तो बाप नंबरी तो बेटा क्या, यानी कि बाप ने एक हाथ का सांप मारा था तो बेटा कितने हाथ का मार दिया, यानी कि बड़ा मार दिया हाथ, यानी कि इसका मतलब कि बड़ा सांप मार दिया। तो पूछा जाता है कौन सी धारा है 10 नंबरी की, तो आपका जवाब रहेगा सीआरपीसी की कौन सी धारा 110, 111, उसी को कहा जाता है भाई हैबिचुअल ऑफेंडर, आभ्यासिक अपराधी, ऐसे अपराधी जो सुधार के योग्य नहीं। कुछ लोग भाई पुलिस एक्ट भी पढ़े हैं, वहाँ से भी थोड़ा जोड़ दिया जाए तब कांटेक्ट चला जाए, क्योंकि प्री का मतलब ये है कि आप जितना कोरिलेट अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना ही कंपटीशन में आपको फायदा मिलेगा। आपका एक कानून ही नहीं, सभी कानून एक साथ पढ़ने पड़ते हैं कम समय के अंदर, और निश्चित रूप से 20-25 क्वेश्चन आपका कोरिलेशन से मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस एक्ट में हमने दुष्चरित्रों का या बैड कैरेक्टर वालों का क्लास बताया था, उसमें बताया था वर्ग ए और वर्ग बी, यानी कि जो दुष्चरित्र हैं उनका कितना क्लास में बांटा गया है, दो में। क्लास दोनों में हैबिचुअल अपराधी, आदतन अपराधी, आभ्यासिक अपराधी ही आते हैं, लेकिन वर्ग ए वाले जो होते हैं ये माना जाता है कि ये अपने रास्ते में सुधार लाएंगे, सुधर जाएगा, पप्पू क्या होगा, पास हो जाएगा, लेकिन वर्ग बी वालों को माना जाता है ये सुधार के योग्य नहीं है, यानी कि ये तो कुत्ते की क्या है, दुम, ये कभी सुधर नहीं सकता, तो कुत्ते की दुम है। तो कम से कम 2 साल निगरानी, और आपका अगर कुत्ते की दुम नहीं है तो अधिकतम कितनी निगरानी, 2 साल। तो दोनों में अंतर है, अधिकतम 2 साल निगरानी जो सुधार के योग्य है, और कम से कम 2 साल निगरानी जो सुधार के योग्य नहीं है, ऐसे जीवन भर करते रहे निगरानी। जैसे कि अनिल यादव जी थे, आपका आप किस वर्ग में थे ये तो पता नहीं है, वो भी आपका ही माने वो भी आपका बैड करेक्टर में आते थे, लेकिन वर्ग भाई अब हमें पता नहीं, खोजना पड़ेगा किस में आते थे। तो ये बताया गया, ये देखा जाए भाई, तो जहाँ जहाँ मैंने ये बताया कि 10 अंक का चीज है उसको याद करना है। अब अगला आपका जो भी होना चाहिए, ये जितनी परिभाषाएं हैं कोई छोड़ना नहीं है। बिहार एक बार झारखंड जे में इससे 3 क्वेश्चन आ गया था, बिहार जे में भी 1 क्वेश्चन बनता है, यूपी में भी पूरा चांस रहता है 1 क्वेश्चन का। अभी आपका BHU LLM में भी बना था, वह केस बन गया था, बम्पर हाल पेन क्या है ये बना था, यानी कि बम्पर हाल पेन क्या है, तो जमीन का एक टुकड़ा था, और लोग बम्पर हाल पेन को कोई सिनेमा घर मार दिया, तो कोई आवास गृह मार दिया, अरे भाई जमीन का एक टुकड़ा था, बहुत बताया जाएगा केस भाई, थोड़ा धैर्य रखे, 1-2 दिन में आ जाएगा। इसके बाद आपका बिहार में जो पूछा, आपका ये पूछा गया था कि ए का भतीजा खो गया है और ए प्रपोजल करता है कि जो भी उसके भतीजे को खोज कर लाएगा उसे 501 रुपया इनाम दिया जाएगा। ये प्रपोजल कैसा प्रपोजल है, कैसा ऑफर है, कैसा प्रस्ताव है, विशिष्ट की सामान्य है, तो किससे प्रपोजल किया गया, एक आदमी की पूरे आदमी, तो आपका पब्लिक ऑफर या लोक ऑफर या जनरल ऑफर या सामान्य प्रस्थापना बताया जाएगा।
तो जितनी ये परिभाषाएं हैं, आपका कर्तव्य है कि सभी किस क्लाज में कौन सी परिभाषा दी गई है मिलाने के लिए भी आती है, सभी परिभाषाओं को रट्टा मारिया से अकल से पूछना भी शुरू किया जाएगा। आज पहले छोटी छोटी परिभाषाएं हम निपटा देंगे, कल से डिटेल में चला जाएगा। देखिए 2A में, 2A में प्रपोजल या प्रस्थापना या ऑफर या प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है, यानी कि आपका चूंकि संविदा का पहला चरण प्रस्ताव ही होता है, अतः सबसे पहले किसकी परिभाषा दी गई है, प्रपोजल की, डिटेल में चलेगा। 2B में दो शब्द परिभाषित हैं, याद रखिएगा। पहला आपका एक्सेप्टेंस यानी कि आपका प्रतिग्रहण या स्वीकृति या कबूल भी कह सकते हैं, प्रतिग्रहण या स्वीकृति या एक्सेप्टेंस या कबूल। और दूसरा जो दिया गया, लोग वही नहीं पढ़ते, प्रामिज, यानी कि 2B में आपका वचन, यही गलत होता है ज़्यादा लोगों से भाई, पहले टेक्निकल क्वेश्चन निकाल लिया जाए। ये पूछा जाता है कि वचन या प्रामिज को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो 2B में, और कॉन्सेप्ट बनाते समय मैं बताया था कि वचन क्या है, तो जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वही प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रामिज में। तो स्वीकृत प्रस्थापना ही क्या है, वचन, याद रखिएगा। इसके बाद 2C, आपका नाम दिया गया है, अब नाम पर आ जाइए। जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वह प्रपोजल प्रामिज या वचन या प्रतिज्ञा या वादा बन जाता है, और प्रपोजल करने वाले और एक्सेप्ट करने वाले का अब नाम चेंज हो जाता है। तो फिर याद रखिए, जो व्यक्ति प्रपोजल करता है, प्रस्थापना करता है, प्रस्ताव करता है, उसका नाम प्रामिजर यानी कि वचनदाता, याद रखिए, क्या कहा जाएगा। और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसका प्रामिजी या वचन ग्रहिता, फिर याद रखिए, जो प्रस्ताव किया है उसका नाम अब क्या कहलाएगा, प्रामिजर या वचनदाता। जो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है उसको अब क्या कहेंगे, प्रामिजी। कहाँ दिया गया है, 2C। इसके बाद 2D में कंसिडरेशन या प्रतिफल, आपका भूम मैंने बताया भी गया था, आपका जब दान हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे प्रतिफल का मतलब मूल्य, यानी कि कंसिडरेशन या प्रतिफल की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, 2D। और जिस एग्रीमेंट में प्रतिफल या मूल्य न हो, TPA में बताया गया था कि वह एग्रीमेंट वायर्ड होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा हम कोरिलेट किए थे दान में, 25, लेकिन दान उसका अपवाद था, और धारा 25 का कौन सा स्पष्टीकरण हम बताए थे, फर्स्ट, रटिए वो सब काम करेगा, कल बताया गया था। इसके बाद 2ABCD, ई आ जाइए, ई भी खूब पूछा जाता है कि एग्रीमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट मतलब करार, करार मतलब समझौता, तो समझौते की परिभाषा किस में दी गई है, 2E, बताया जाएगा डिटेल में। आपका ये 2F आ जाइए, वर्तमान में 2F से शुरू कर दिया है क्वेश्चन बनाना, झारखंड और इत्यादि राज्यों में अब 2F भी बना रहा है। 2F से क्वेश्चन ये बना रहा है, रिसिप्रोकल प्रामिज या व्यतिकारी वचन कहाँ परिभाषित हैं। तो जो पारस्परिक वचन होता है, रिसिप्रोकल प्रामिज होता है, वह कहाँ डिफाइन है, 2F में। आइए आपका 2F के बाद
आपका कह सकते हैं कि आपका शून्य करार भी बिहार खूब भाई आपका बनाया है। आपका 2F के बाद आ जाइए 2G। जहाँ तक 2G की बात है, आपका वार्ड एग्रीमेंट या शून्य करार ये पूछा गया है। तीन चार शब्द को देखिए भाई, अब आपको समझाना पड़ेगा तब बताना पड़ेगा। एक आपका होता है शून्य करार, एक होता है शून्य संविदा, एक होता है आपका शून्य करणीय संविदा, शून्य करणीय संविदा। तीनों की परिभाषाएं दी गई हैं, इसमें शक नहीं है। अब पहले तो तीनों में अंतर, क्योंकि बिहार आपका अभी जे में पूछा गया था भाई, फिर बिहार का ही क्वेश्चन, बिहार जे में जो इस बार आया था, हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी भूमिका ही चल रही है, यानी कि कांटेक्ट शुरू नहीं हुआ अभी, अभी सेक्शन 2 भी डिटेल में नहीं शुरू हुआ, अभी भूमिका में ही आपका बिहार में आए हुए पिछली बार के तीन क्वेश्चन बता दिए गए। और ये भी क्वेश्चन आपका आया था, पहले तो शून्य करार किसे कहेंगे, फिर आपका शून्य संविदा किसे कहा जाएगा, शून्य करणी संविदा, शून्य करार मतलब वाइड एग्रीमेंट, शून्य संविदा मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्ट, और शून्य करणी संविदा मतलब वाइडेबल आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये इंग्लिश वर्जन याद रखें। अब ये जहाँ जहाँ परिभाषा दी गई है, पहला आपका मैंने ये होना चाहिए कंपटीशन का कि सभी परिभाषाओं को रट्टा मारिए, एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं है। इंटरव्यू में पूछा गया, कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। आपका जो शून्य करार की परिभाषा दी गई है वह किस धारा में दी गई है, 2G। देखिए भाई, आपका एक और तो बनाना था, संविदा क्यों छोड़ा जाए भाई, इसको ही बताया जाए। आपका पहला, अभी हम बताते हैं पहले, इसके बाद जो संविदा की परिभाषा दी गई है वह कॉन्ट्रैक्ट या ठहराव की, वह 2H में है। इसके बाद आपका जो शून्य संविदा की परिभाषा दी गई है वह आपका शून्य संविदा 2J और शून्य करणीय संविदा 2I। सही है ना, ये चारों परिभाषाएं यही तो बची हैं भाई। इसको देखिए थोड़ा और अच्छे से भाई, काफी क्वेश्चन अच्छा बनता है। देखिए पहला हम उठाते हैं आपका वार्ड एग्रीमेंट या शून्य करार। परिभाषा याद रखिए, शून्य करार कहाँ परिभाषित है, तो आपका सेक्शन 2G में। अब ये आया कि किस एग्रीमेंट को वार्ड एग्रीमेंट कहा जाएगा, तो पहला नियम ये होना चाहिए कि वार्ड एग्रीमेंट वे होंगे जिन्हें कानून द्वारा वार्ड घोषित किया गया है, शून्य घोषित किया गया है, अर्थात जो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते, यानी कि जो करार कानूनन लागू नहीं कराए जा सकते, वे करार क्या माने जाएंगे। सुन तो कंसेप्ट आपको बनाया गया है, फिर एक बार बताइए कि कब कहा जाएगा कि कोई एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, विधितः प्रवर्तनीय नहीं है, और कब कहा जाएगा कि कोई करार विधितः प्रवर्तनीय है। इसके लिए मैं जब कंसेप्ट एक दो दिन पहले बता रहा था तो उसमें सेक्शन 10 का उल्लेख किया था, अच्छे से याद रखें। यानी कि जो करार, अब दो आपका समझना है, जो करार धारा 10 की कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं, जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर देते हैं,
वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय है और उसे हम आगे क्या कहेंगे करार के बाद, संविदा। और जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते, अर्थात जो करार विधिता प्रवर्तनीय नहीं है, कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यानी कि कुल मिलाकर किस सेक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, 10, तो वह करार क्या कहलाएंगे, शून्य करार। बस एक लाइन याद रखिए, जो करार विधिता प्रवर्तनीय हो वह क्या होगा, संविदा। और जो करार विधिता प्रवर्तनीय न हो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य करार। यानी कि इसका मतलब आसान भाषा में ये हुआ कि जिन करारों के उल्लंघन होने पर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी कि वह क्या करार अब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में। और जिस करार के उल्लंघन होने पर हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, न्यायालय से उस करार को लागू नहीं करा सकते, तो वह क्या हो जाएगा, शून्य। अब दोनों को एक एक उदाहरण देखिए कि कौन सा करार शून्य है। एक उदाहरण देखिए भाई आपका, एक एक कम से कम। मान लीजिए ए बी से करार करता है कि हे बी, अगर तुम सी की हत्या कर देते हो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा, तो क्या ये करार कानूनन सही माना जाएगा? नहीं, क्योंकि इस करार द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर को क्या पहुंचाने का उद्देश्य है, क्षति। तो ये करार क्या होगा, शून्य। अब आइए, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 50 किलो चावल दूंगा, इसके बदले में तुम 2000 रुपया हमें देना, तो क्या ये वैध करार है कि शून्य है, वैध है। तो ये करार किस धारा की शर्तों की पालन कर दे, 10, तो ये क्या कहलाएगा, संविदा। भाई संविदा का मतलब कि जो करार बीता क्या हो, प्रवर्तनी। और शून्य करार मतलब कि जो करार बीता प्रवर्तनी न हो। याद करना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई ये 2 लाइन याद करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ थोड़ा कवर करिए भाई, यही आपका गलती होगा। वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट ध्यान में रखिएगा। देखिए शून्य करार हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ शब्द को पकड़ना है कंपटीशन के लिए। शून्य करार हम नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, शब्द यूज, शून्य संविदा। तो आप लोग अब बताइए कि आखिर संविदा तक पहुंचा कैसे। तो एग्रीमेंट हुआ, वह एग्रीमेंट किस सेक्शन की कंडीशन को फुलफिल किया, 10 को, उसके बाद कहाँ तक पहुंच गया, संविदा। फिर एक बार याद रखें, शून्य करार में वह करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति ही नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा। संविदा में धारा 10 की शर्तों की क्या कर दिया, पूर्ति। अब यहाँ है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट भी हुआ, धारा 10 की शर्तों की वह क्या किया था, फुलफिल। लेकिन कुछ बाद में ऐसी कंडीशन आई कि उस संविदा का पालन किया जाना संभव नहीं था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शून्य संविदा किसे कहा जाएगा। तो परिभाषा देखिए, आपका जो लास्ट परिभाषा है 2J, जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है, वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि करार संविदा तक तो पहुंचा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी घटनाएं आ गई, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि अब उस संविदा को लागू कराना, इनफोर्स कराना, प्रवर्तित कराना, निष्पादित कराना संभव रहा कि नहीं रहा। नहीं रहा तो वह करार शून्य नहीं होगा, अब वह क्या होगी, शून्य संविदा। अब 2-3 उदाहरण अच्छे से देखिए, अच्छे से, क्योंकि यहाँ भी आपका
आपका देखिए भाई, टेलर बनाम कार्डवेल का वाद देखिए, फिर क्रेल बनाम हेनरी का केस। तमाम केस हैं आगे बताया जाएगा, लेकिन कंसेप्ट दो तीन उदाहरणों से दिमाग में बैठा। ये बहुत अच्छा ये सब बताया जा रहा है। गलत हो कर आता है, यानी कि लोग लाख पढ़ते हैं लेकिन गलती इसमें क्या करते हैं, करके आते हैं। मान लीजिए ए ने अपना बर्थडे मनाने के लिए एक गेस्ट हाउस बुक किया। आपका ए भी वयस्क था, गेस्ट हाउस वाला भी वयस्क था। प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, सब कुछ सही था। पैसे की भी बात हो गई, कुछ एडवांस दे दिया गया, यानी कि करार किसमें कन्वर्ट हो गया, संविदा में, और पालन अभी 10 दिन बाद करना है। इसी बीच बर्थडे के एक दिन पहले आपका गेस्ट हाउस में आग लग जाती है और गेस्ट हाउस जलकर खाक हो जाता है। तो बताइए, ऐसी दशा में क्या राख पर बर्थडे मनेगा? अब जो बुक कराया था कह रहा है कि हम इसी पर बर्थडे मनाएंगे, और गेस्ट हाउस वाला कह रहा था कि जब विषय वस्तु नष्ट हो गई तो ये करार सुने ना कहिएगा, ये जो संविदा था अब ये क्या हो गई सुन। यानी कि अब प्रवर्तन किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। दूसरा उदाहरण देखिए। अब ये तो पहला, ए ने बी से करार किया कि अगले साल जो मेरे खेत में आलू उत्पन्न होगा, मैं तुम्हें पूरा आलू बेचूंगा, और अगले साल आपका आलू में रोग लग गया, आलू पैदा ही नहीं हुआ। तो संविदा हुई थी लेकिन घटना घटी नहीं, कार्य हुआ नहीं, पैदावार हुई नहीं, इसके कारण वह संविदा क्या हो गई सुन। तीसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी की शादी है और उसका मित्र वादा करता है कि मैं तुम्हारे विवाह में जलूल से जलूल आऊँगा, यानी कि आजकल लिखा जा रहा है जलूल से जलूल आऊँगा, और कौन डांस करूँगा भाई, ऐसा डांस कराइए कि लोग भाग जाएं। अब ऐसे क्या कि हाँ बताए, नागिन से भाग जाएंगे? चलिए भाई थोड़ा नागिन डांस में ये है कि लोग भाग जाएंगे, या आपका भाई मोरनी डांस करवा दीजिए, यानी कि इतना फैलवा दीजिए आपका हाथ होत की लोग क्या करें आसपास के, भाई गिर जाए दो चार लोग। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए ठीक है भाई जाकर बाहर ना कहिएगा कहीं भाई कि सर डांस का उदाहरण दे रहे थे, बेइज्जती होती है ना थोड़ा देखिए फिर एक बार भाई, यानी कि ए ने वादा किया कि मैं तुम्हारे विवाह में जलूल से जलूल डांस करूंगा, और आपका शादी के एक दिन पहले ही बेचारा स्लिप कर गया, पैर ही टूट गया, अब कैसे डांस करे। तो ये करार संविदा तक पहुंचा, लेकिन अब इसका पालन संभव नहीं रहा भौतिक कारण से, तो आपका ये संविदा ही क्या होगी सुन। करार सुने ना कराएगा। एक और उदाहरण देखें। ए ने वादा किया कि हे बी, मैं तुम्हारे विवाह में पियानो बजाऊंगा, और तब तक गला ही खराब हो गया तो कहाँ से पियानो बजेगा। अपने पर भी एक उदाहरण दे दिया जाए जैसे मैं कहा कि एग्जाम में पढ़ाऊंगा, तब तक गला खराब हो गया, तो भाई आपका संविदा तक तो पहुंच ही गया था, लेकिन भौतिक असंभवता के कारण जब गला खराब हो गया तो क्या जबरदस्ती थोड़े कोई पढ़वाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, यानी कि ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं ये लीगल उदाहरण है, बस केस नहीं बताया गया, अन्यथा सब कुछ बता दिया गया, यानी कि केवल क्या बचा रहा, इसका मतलब ये हुआ। फिर एक बार लास्ट में एक बचा, ये भी समाप्त कर दिया जाए भाई, ताकि डिटेल में कल से चले प्रपोजल। वाई डेबुल, अभी आपका ये क्वेश्चन बिहार जे में आया था, यानी कि बिहार जे का चौथा क्वेश्चन हम इस बता रहे हैं अभी भूमिका में। आपका पूछा गया था कि वाई डेबुल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, शून्यकरणीय संविदा क्या है, तो एकदम रटे रहेगा। जहाँ की एक पक्षकार को ऑप्शन रहता है,
एक पक्षकार को विकल्प रहता है, या तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाए या संविदा को प्रवर्तित कराए। तो एक पक्षकार को जब ऑप्शन मिलता है, विकल्प रहता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वाइडेबल। और शून्यकरणीय संविदा की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो आपका 2I। अब देखिए इसका उदाहरण एक भाई, फिर आपका बिहार का एक क्वेश्चन निकाल ही दिया जाए, क्योंकि तो इस बार बना भी था गुरु चेला, यानी कि 5वां क्वेश्चन आ जाइए आपका। ये देखिए ध्यान से भाई, आपका गुरु और चेला लास्ट उदाहरण देखिए। गुरु चेला जब भी पढ़िए तो एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा संविदा अधिनियम की धारा 16, फिर संविदा अधिनियम की धारा 19 19A, फिर संविदा अधिनियम की धारा 64 है, देखिए तो शून्यकरणीय में यही बिहार पूछा गया था भाई, देखिए हल्का सा शून्यकरणीय है ना आपका, 64 पढ़ना है, अभी बिहार पूछा भी गया था, ये भी बिहार में आया था 64। इसके बाद एविडेंस की एक धारा भी पढ़नी है और वह है 111, यानी कि एविडेंस की कौन सी धारा पढ़नी है? 111, जो न्याय साम्य और शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है। तो देखिए आपका इतना, देखिए भाई पहले गुरु चेला, मान लीजिए ए गुरु है और बी क्या है? चेला। ए ने चेला की इच्छा को डोमिनेट किया, अर्थात अधिशासित किया, कुचल दिया, दबा दिया, और दबाकर जो 1 लाख का चेले के पास घोड़ा था उसे 100 रुपया में बी ए खरीद लेता है। यानी कि चेले के पास एक घोड़ा था, कितनी कीमत का था? 1 लाख का। गुरु ने चेले की इच्छा को दबाया और घोड़ा कितने में खरीद लिया? 100 रुपये। तो ऐसी दशा में अब चेले की जो सम्मति है वह असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस या बुरा प्रभाव डालकर पाई गई है, और इस सम्मत पाकर गुरु ने अनुचित फायदा उठाया है। अनुचित फायदा कैसे उठाया? 1 लाख का घोड़ा कितने में खरीद लिया? 100। इसको कानूनी दृष्टि से देखिए, प्रतिफल है कि नहीं, पहला क्वेश्चन है, पर्याप्त है कि अपर्याप्त? अपर्याप्त। तो क्या ये संविदा शून्य है? नहीं। इसको गवर्न करेंगे धारा 25 के एक्सप्लेनेशन नंबर किससे, कि मात्र इस कारण से कोई संविदा शून्य नहीं होगी कि उसमें कंसिडरेशन क्या है? कम। लेकिन एक लेकिन लगाना है, लेकिन इस बात को न्यायालय मने में उठाया जा सकता है कि भाई सम्मति स्वतंत्र नहीं थी, तो इसी बात को यहाँ हम उठा रहे हैं। अब ये जो संविदा है इसमें दोनों पक्षकारों को ऑप्शन नहीं है, केवल चेले को ऑप्शन है, या तो शांत बैठ जाए, शांत बैठ जाए तो सब कुछ सही है, क्योंकि वाइडेबुल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहता है जब तक कि न्यायालय उसे शून्य घोषित न कर दे। केले के पास एक और विकल्प है कि वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, यानी कि सिविल वाद दायर करे गुरु के खिलाफ, कहे कि गुरु ने हमारी इच्छा को दबाकर अनुचित फायदा उठाया, अतः हमें आपका घोड़ा क्या किया जाए, हमें क्या दिलवाया जाए वापस। तो मान लीजिए न्यायालय ने संविदा रद्द कर दिया और आपका ऐसे घोड़ा किसको दिलवा दिया? बी को। तो साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए? पालन। तो बी कितना पैसा गुरु से लिया था? आपका 100 रुपया। तो 100 रुपया चेला भी गुरु को क्या करे? वापस करे कि ना करे? तो करे, तो कौन सी धारा? तो शून्यकरणीय संविदा में धन को वापस कराइए तो कौन सी धारा? 64। और शून्य करार या शून्य संविदा है तब धन को वापस कराएंगे, तो एक सेक्शन और आगे बढ़ना है 65।
वाइडेबुल कॉन्ट्रैक्ट में, ये बिहार पूछा गया था, सतर्क रहे, वाइडेबुल में कौन सी धारा लागू होगी, 64, और वार्ड में 65, धन की क्या होगी वापसी। यानी कि अब याद रखिए, अगर कहीं क्वेश्चन आए कि वाइडेबुल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पक्षकार के विकल्प पर या तो प्रवर्तनीय है या खंडनीय है, दोनों को विकल्प नहीं मिलता, केवल किसको मिलता है, एक को। हिंदू लॉ में भी ये बताया गया था, ये शून्यकरणीय विवाह दोनों को ऑप्शन नहीं था, केवल किसको था, तो कौन सी धारा है, 11 की 12, भाई शून्यकरणीय विवाह 11 है कि 12, 12 ही है, और शून्य विवाह कौन है, 10, हाँ 11, भाई शून्य विवाह 11 और शून्यकरणीय, बहुत। तो कल आपका क्लास अगला चलेगा भाई, अब इसको डिटेल में, अब 2 SA डिटेल में चलना है, एक बार ये भूमिका हो गई और इसको रट्टा मार कर आइए, और कोई उपाय नहीं है, प्रपोजल में कम से कम आपका एक दो लेक्चर लगेगा।